थाने में अक्सर कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं, चोरी मारपीट से लेकर हत्या और पारिवारिक लड़ाई तक। कुछ शिकायतें खौफनाक होती हैं तो कुछ एक मज़ेदार भी। ऐसी एक हटके कंप्लेन की मज़ेदार खबर है। मध्य प्रदेश से यह खबर सामने आई है। यहां बुरहानपुर जिले के थाने में एक अनोखी शिकायत लिखवाई गई। दरअसल 3 साल का एक बच्चा अपनी माँ के खिलाफ शिकायत लिखवाने थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाते वक्त उसने जो जो बातें बताई वो बेहद ही मजेदार थीं, जिसे सुनने के बाद बच्चे की मासूमियत पर आप भी मोहित हो जाएंगे। बच्चे ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी माँ उसे मारती है और उसकी चॉकलेट कैंडी चोरी करती है। आप उनको जेल में बंद कर दो। अपनी शिकायत लेकर चौकी पहुंचा बच्चा कंप्लेन लिखने की जिद करने लगा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा थाने में महिला पुलिसकर्मियों से शिकायत कर रहा है और महिला पुलिसकर्मी उसकी शिकायत लिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना खकनार थाना क्षेत्र के देड़ तलाई गाँव की है। चलिए अब आप भी वायरल वीडियो को देख लीजिए। गाल पे मारी और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? मम्मी चाली कैंडी चुराती। तेरी कैंडी चुरा देती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा, अम्मी ने तेरी कैंडी चोरी की। और क्या चुराया? और क्या की मम्मी ने, अम्मी ने चॉकलेट भी चुराई। और चॉकलेट अम्मी नाम है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो देखा आपने ये वीडियो, कितनी मासूमियत के साथ बच्चा कंप्लेन लिखवा रहा है। बच्चे को उसके पिता चौकी लेकर आए, नहलाने के बाद उसकी मम्मी उसे काजल लगा रही थी लेकिन उसने नहीं लगवाया, इसलिए मम्मी ने उसे धीरे से चांटा मार दिया। इस पर वो इतना गुस्सा हो गया कि थाने जाने की जिद करने लगा। बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना। इसके बाद पिता उसे चौकी लेकर गए। यहाँ उसने पुलिसकर्मी से शिकायत की। यहाँ कार्यरत सब इंस्पेक्टर प्रियंका नायक ने उसकी बात मानते हुए दिखावटी कंप्लेंट लिखने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा शेयर किया जा रहा है। इस बच्चे की मासूमियत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।